सो हे गाइस, अगेन आई एम कम बैक दोस्तों। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा एक स्मार्टफोन जो कि 5G कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है और वो चाइना में फाइनली लॉन्च कर दिया गया। आई थिंक ट्यूजडे को लॉन्च किया गया है इसी हफ्ते। और मैं बता दूं आपको जो है बेचैनी होगी कि जल्दी से जल्दी आपको जो है 5G कनेक्टिविटी वाला फ़ोन जो है मिल जाए, क्योंकि अभी जो है आप 4G कनेक्टिविटी यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ोन में। काफ़ी लोग यूज कर रहे हैं 4G, बट आई थिंक आप सोच रहे होंगे कि 5G फ़ोन सबसे जल्दी आप जो है यूज करें और उसकी स्पीड का आप जो है फ़ायदा लें। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू कर। ये फ़ोन MI का जो कि सारे कंपनियों को पिछाड़ने वाला है। सो इस फोन में मुझे सबसे अच्छी जो है दो पॉइंट लगी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें 5G कनेक्टिविटी जो हमें प्रोवाइड कर रहा है MI। उसके बाद मैं आपको बता दूं सबसे बेस्ट क्वालिटी इसमें जो हमें दी जा रही है वो है 12 GB की रैम। इसमें जो हमें चार वेरिएंट मिल जाता है और चारों वेरिएंट में आपको बता दूं, पहली वेरिएंट इसकी आपकी आ जाती है 8 GB रैम 128 GB इंटरनल के साथ। दूसरी इसकी सेम उसी पे है 8 GB रैम 256 GB इंटरनल के साथ है। तीसरी इसमें आ जाती है 12 GB रैम 256 GB इंटरनल के साथ। इंटरनल सेम है दोनों का, बस इसमें रैम का डिफरेंस जो है इसमें 12 GB कर दिया गया है। चौथी इसमें आ जाती है आपकी 12 GB रैम 512 GB इंटरनल के साथ, जो कि आपकी 1 GB का हाफ। इंटरनल भी अच्छा दिया गया है, रैम तो काफ़ी बेस्ट है। इसके बाद हम चलेंगे इसके स्पेसिफिकेशन में। तो ये फ़ोन जो आता है आपका डुअल नैनो सिम के साथ। उसके बाद ये फ़ोन जो है रन करता है आपका MIUI 11। चलते हैं इसके डिस्प्ले के ऊपर। डिस्प्ले आपको मिल जाता है इसमें 6.39 इंचेस का, जो कि है फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले। वाटर ड्रॉप नॉच के साथ मिलता है आपको ये। तो प्रोसेसर इसमें मिल जाता है आपको ऑक्टा कोर का, जो है स्नैपड्रैगन 855+ का। और 855+ आपको पता होगा जो कि पबजी लवर्स के लिए सबसे बेस्ट प्रोसेसर दिया जा रहा है इसमें। उसके बाद एक बेहतरीन फीचर आपको मिल जाता है जो कि है CPU कूलिंग। ज़्यादा ऐप्स को एक साथ रन कराएंगे उस टाइम जो है ये इसमें एक एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी दी गई है जो कि CPU कूलिंग। बात करते हैं हम इसके बैटरी के ऊपर। बैटरी आपको इसमें अच्छी खासी मिल जाती है, 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है। इस टाइम जो है जितने भी फोन यूज कर रहे होंगे, सारे लोग आप यूज कर रहे होंगे 4000 या 5000 mAh की बैटरी यूज कर रहे होंगे। तो इस फोन में सबसे बेस्ट मुझे यही लगा है इसकी चार्जिंग जो आपकी मिल जाती है 48 मिनट में फुल चार्जिंग। बताइए आपको 1 घंटे के अंदर फुल चार्जिंग, और पूरी 1 घंटे नहीं, ओनली 48 मिनट में आपको 100% फुल चार्ज बैटरी दे रहा है ये। और मैं बताऊँ ये जो है 48 मिनट में आपको 40 वाट चार्जिंग पे 48 मिनट में चार्ज करेगा ये। और मैं आपको बता दूँ कंपनी ने ये भी कहा है कि इस फोन में आपको जो है बॉक्स के साथ जो है 45 वाट का भी चार्जर वो दे सकते हैं, बिकॉज आप अपने लैपटॉप को भी उस चार्जर से चार्ज कर पाए। करते हैं इसके कैमरा के ऊपर। जो आप सोच रहे होंगे कभी से इस फोन में जो कैमरा में क्या मिलता है, तो ये सबसे पहला कैमरा मिलता है हमें 48 MP का, जो कि है f1.75। उसके बाद दूसरा कैमरा जो कि आपको मिल जाता है इसमें 12 MP का f2.2 के साथ मिलता है, जो कि टेलीफोटो कैमरा है। इसके बाद आपको तीसरा कैमरा मिल जाता है जो कि 16 MP का f2.2 वाइड एंगल कैमरा। इसके बाद बात करेंगे सबसे खास जो कि हमारा फ्रंट कैमरा इसमें आपको मिल जाता है 20 MP सेल्फी के लिए, सबसे बेस्ट रहेगा। सो फाइनली ये फ़ोन जो आपको जल्द से जल्द मिलने वाला है अपने इंडिया में। और मैं आपको बता दूँ ओवरऑल कंक्लूजन जो है मेरा इस फोन के साथ, ये फ़ोन आपको सबसे बेस्ट पड़ेगा। तीन सबसे बेहतरीन जो है फीचर्स मुझे दिख रहे हैं इसमें। पहला 5G कनेक्टिविटी, दूसरा मुझे फास्ट चार्जिंग, तीसरा हमें जो मिल जाता है इसकी रैम 12 GB की रैम जो है सबसे बेस्ट आपको मिल रही है इस फोन के साथ। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।